बहुत से घरानों के संगीत की पवित्र भूमि है भारतवर्ष। ऐसा ही एक घराना है आनंदगढ़। आलाप और श्रुति जो सबके चहेते हैं उनकी संगीत और कहानी की वजह से, और साथ में है मधुवंती, रोहिणी और ललित सेन जैसे संगीत के महारथी। रुद्रपुर, यहाँ औरतों का रुद्र वीणा को हाथ लगाना महापाप माना जाता है, लेकिन किसी एक से ये पाप हो जाता है, रुद्रपुर श्रापग्रस्त हो जाता है। आलाप और श्रुति की जिंदगी फिर से नए रहस्य के घेरे में आ जाती है। इसका मतलब इसके अंदर ही तानसेन की राग संजीवनी का सुराग है। राग संजीवनी। और अब उनके इस रहस्य कथा में जुड़ जाती है नई पीढ़ी की एक संगीतकार, साज। तुम्हारे संगीत में भयानक रहस्य है, लेकिन वो दिल को नहीं छूता। और रुद्रपुर के सबसे बेहतरीन गायक को नवाजा जाता है नाद के नाम से। आपके चरणों में जगह मिलेगी। जरूर मिलेगी। तुम्हें मेरा प्रणाम। लेकिन प्रतिभाशाली संगीतकार होना ही काफी नहीं, उसे भयानक उग्र भी होना पड़ता है। तानसेन का तानपुरा की जो कहानी शुरू हुई थी उसकी जड़ में ही है रुद्र वीणा का अभिशाप। एक के बाद एक संगीतकारों का खून होने लगता है, और इस श्राप से मुक्त होने की कहानी ही है नाद की कहानी। आप जरूर कोई बड़ी बात हमसे छुपा रहे हैं, और वो बात क्या है मैं पता लगा कर रहूंगा।